शहर में अतिक्रमण चारों तरफ देखा जा सकता है। इसमें छोटे बड़े पक्के निर्माण से लेकर बाजारों में भी चारों तरफ यही आलम है। इसके लिए संबंधित विभाग, नगर विकास, न्यास और नगर परिषद द्वारा समय समय पर कार्यवाही तो की जाती है, लेकिन गाज गिरती है तो सिर्फ गरीबों पर। जेसीबी का पंजा चलता है तो सिर्फ उन पर जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही कोई ऊपर तक अप्रोच है। यह रोते बिलखते वह परिवार है जिनका आशियाना छिन गया। यह लोग करीब 50-50 सालों से अलवर के 60 फीट रोड के पास ठाकर वाला कुआं के पास रहते हैं। एक दिन अचानक हुई न्यास की अतिक्रमण की कार्यवाही में इनके मकान ढहा दिए गए। इनकी एक नहीं चली क्योंकि पुलिस जाब्ता साफ था। विरोध करने पर उन्हें उठाकर जीप में बैठा लिया गया। यहाँ महिलाओं के पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। आखिर बारिश के मौसम में उनकी छत उनसे छीन ली गई। इस परिवार में चार विकलांग है, बीपीएल परिवार है, कर रहे हैं गरीब के साथ जो नक्शे के मुताबिक उसके मुताबिक मेरा रास्ता निकाल रहे हैं। हमारा कुछ भी, हम मर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये टेढ़ी राजनीति से टेढ़ी निकली गई है जो नक्शे के मुताबिक सीधी करने वाले अधिकारी। अब हम आपको लेकर चलते हैं शहर की तरफ, जहां चारों तरफ अतिक्रमण नजर आता है, लेकिन अधिकारी यहां आंखें मूंदे बैठे हैं। शहर में छोटे बड़े ऐसे सैकड़ों कमर्शियल निर्माण हैं जो बिना स्वीकृति के बना डाले गए। नगर विकास न्यास के बगल में रोड नंबर 2 पर 4 मंजिला कमर्शियल, वो भी शहर के 3 बड़े धन्ना सेठों ने बिना स्वीकृति के ही बना डाले, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। उनकी स्वीकृति की फाइल को नगर विकास न्यास निरस्त कर चुका है, उसके बावजूद बेपरवाह धड़ल्ले से उन्होंने ये बिल्डिंगें बना डाली और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा। इस मामले में जब न्याय सचिव कानाराम से जब पूछा गया तो सिर्फ गोलमोल जवाब मिल पाया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग 3 खड़ी हो जाती है यूआईटी के बगल में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और वहाँ झोपड़पट्टी वालों को कार्रवाई नहीं। ऐसा नहीं, कार्रवाई सभी जो आदेश थे स्वीकृति के वो निरस्त कर दिए गए आपके विभाग से, और उसके बाद पूरे भवन बन गए बड़े बड़े, तो इस पे कभी गौर किया जाता? आप हमारे ध्यान में लाए तो जरूर कार्रवाई करेंगे। न्यास और नगर परिषद द्वारा दिखावे के लिए समय समय पर कार्यवाही तो की जाती है, और वह भी सिर्फ गरीबों पर, छोटे छोटे अतिक्रमणों पर। आखिर अधिकारियों का यह रवैया ना तो सिर्फ अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि विशेष माफियाओं और अधिकारियों की साठ गांठ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 60 फुट रोड पर ये जो घर गरीबों के तोड़े गए हैं, अगर ये मान लो अतिक्रमण में आते हैं ये घर, तो ये पहले से ही तोड़ने चाहिए। अतिक्रमण का जहाँ तक सवाल है तो पूरे शहर के अंदर अतिक्रमण है। 60 फुट रोड पे कुछ मकानों को ध्वस्त किया गया है। मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा, एक तरफ तो कागजी कार्रवाई चल रही है, मुख्यमंत्री आवास योजना, गरीबों को बसाओ, हर गरीब को मकान मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी कल परसों भी टीवी में आ रहा था कि सन 2019 तक इतने लाख मकान बनाए जाएंगे, हर गरीब को मकान दिया जाएगा। जो इतने लाख मकान बन रहे हैं गरीबों को बसाने के लिए किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार गरीबों को हटा रही है, मकानों को ध्वस्त कर रही है, जो 70-70 साल के 60 साल से वहाँ बसे हुए हैं उनको क्यों हटाया जा रहा है? आज की तारीख में शहर से आप बाहर निकल जाए 70% गलत बने हुए हैं, शहर के अंदर घुस जाए तो 50% गलत बने हुए हैं।